अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आप लोग की दुआओं के वजह से हम भी अच्छे हैं। आज मैंने कुछ यूनिक किया है। आज मैं मेरी फेमस, सबसे फेमस, जो मेरे घर पर मेहमान आते हैं और मुझसे डिमांड करते हैं बिरयानी, मीन्स तहारी, उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। मेरे पास कोई शूट करने वाला नहीं है, पर मैंने एक छोटी सी कोशिश की है। तो ये मैंने 1 किलो के इतना गोश्त लिया है, उसमें मैंने ऑनियन, कांदा, हल्दी, नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसको बॉईल कर लूँगी। इसको बॉईल करके गोश्त को सिंपल बॉईल करेंगे। 4 सीटी, जो नॉर्मली 4 से 5 सीटी, 6 सीटी आपके कुकर पे डिपेंड करता है आप कितनी सीटी लेते हो, उसको सीटी ले लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद जब गोश्त बॉईल हो जाएगा तो ये इस तरह से हो जाएगा। ये आपका गोश्त उबल चुका है ना। अब इसको गोश्त को, उबला हुआ गोश्त साइड में रखेंगे। अब हम बना रहे हैं 1.5 किलो, आधा पौना किलो की हमारी फैमिली छोटी है ना, तो हम ज़्यादा नहीं बनाते। तो ये मैंने काट लिया है कांदा, हरी मिर्ची, पुदीना, कोथमीर, दही, अदरक लहसुन, नींबू दोस्तों, और ये है अखे गरम मसाले, काली मिरी, लौंग, शाहजीरा, तेज़पत्ता, दालचीनी और इलायची। ये गरम मसाले, खड़े गरम मसाले। पहले तेल को गरम कर लीजिए। मीन्स मैं 1.5 किलो का पुलाव, मतलब 1 किलो का पुलाव बना रही हूँ, तो मैं चार चम्मच, मतलब वो जो डोंगा होता है वो तेल लूँगी। उसको अच्छा गरम करके उसमें पहले गरम मसाला डाल दीजिए। अब गरम मसाले को थोड़ा सा सॉटे होने दीजिए, हल्का सा सॉटे होने दीजिए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे, ऐड करेंगे ऑनियन, कांदा। थोड़ा सा गरम मसाला सॉटे हो गया, अब इसमें डालेंगे कांदा। कांदा आप 2 से 3 गड्डी ले सकते हो, जो कांदे की वो होती है ना, 2-3 गड्डी ले सकते हो। गाइस, मेरा फर्स्ट वीडियो कुकिंग का, प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। इंशाल्लाह अगर ये अच्छा रहा तो मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर डालूँगी। अब अदरक, कांदा थोड़ा रेड हो जाए तो उसके पास अदरक लहसुन डाल देना। मैंने एमरजेंसी में बनाने का सोचा तो इस वजह से मेरे पास पिसा हुआ अदरक लहसुन नहीं था। इसके बाद उसमें डाल देंगे हरी मिर्ची। कांदा थोड़ा सा सॉफ्ट होने लगा तो उसी के साथ हरी मिर्ची भी डाल दें, ताकि वो साथों साथ दोनों फ्राई हो जाए। तो अब उसको फ्राई करेंगे। सॉरी गाइस, कोई आ गया था, जैसे आपने बेल की आवाज सुनी। तो कांदा जैसे थोड़ा सॉटे रेड हो जाए तो उसमें डाल दें हम हमारा दही। आप एक कटोरी दही ले सकते हो, क्योंकि हम ज़रा खट्टा खाते हैं ना, ये बिरयानी तहारी हमारी खट्टी होती है, तो उसमें हम 1 कटोरी दही डाल देते हैं। 1 कटोरी दही डाल दीजिए। उसके बाद उसके अंदर नींबू का रस डाल दीजिए। मैंने 1 नींबू लिया है, 1 नींबू का अच्छे से रस निकाल के नींबू का रस भी इसमें ऐड कर दीजिए और उसको अच्छे से थोड़ा सा फ्राई कीजिए। उसके बाद जो कांदा और ये जो पुदीना और कोथमीर काट के रखा था उसको वॉश करके वो भी उसी के अंदर डाल दीजिए। इस तरह से ये हमारी अखनी, बोलते नहीं वो अखनी जैसा कुछ हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। और गरम मसाला पिसा हुआ अगर आपके पास है तो वो गरम मसाला आप डाल सकते हो। अगर पिसा हुआ 1 चम्मच इस पॉइंट पर आप डाल सकते हो। ये हमारा उबला हुआ गोश्त है, मीन्स मटन, तो हम उसका थोड़ा सा जो शोरबा होता है ना वो पहले डाल देंगे और उसको मिक्स करेंगे। गोश्त और शोरबा दोनों डालकर उसको अच्छे से थोड़ा फ्राई करेंगे। अब वो बॉईल आ गया, अब उसमें डाल देंगे गोश्त और उस सबको मिल के अच्छा सा फ्राई करेंगे, ठीक है। अच्छा फ्राई करने के बाद जैसे पूरा गोश्त पक डाल दिया, अब ये हमारी अखनी रेडी हो गई है। अब ये अखनी को थोड़ा 5-10 मिनट मीन्स पकाएंगे, स्लो मीडियम गैस पे, फास्ट गैस पे नहीं गाइस, मीडियम गैस पे। उसको थोड़ा सा अच्छा नींबू दही का टेस्ट आ जाए। अब उसमें हम डालेंगे वाटर, थोड़ा सा पानी डालेंगे। जैसे अगर आपने 2 कटोरी चावल लिया है तो आप 4 कटोरी वाटर डाल दीजिए। जैसे 4 कटोरी इनफ है, 2 कटोरी मीन्स हमारा 1.25 किलो का चावल का हमारा कटोरी का हो जाता है, तो आप भी उसी के हिसाब से 4 कटोरी पानी डाल दीजिए। 4-3.5 क्योंकि कुकर है ना, बस सॉल्ट नमक डाल दीजिए और सबको अच्छे से मिला दीजिए और एक बॉईल आने का इंतज़ार कीजिए। अब जैसे बॉईल आ जाएगा उसके अंदर, जैसे अभी पूरा अपनी अखनी में बॉईल आ गया है ना, अब इस पॉइंट पर चावल को वॉश करके उसमें ऐड कर दीजिए। अब चावल उसके अंदर ऐड करने के बाद ये है मेरे 2 कटोरी राइस, जैसे हमारा लंच टाइम था, ये हमने लंच में खाना, लंच के लिए बनाया था मैंने तहारी, तो ये लंच के लिए था, तो हमको इनफ फिर 2 कटोरी बहुत हो जाता है हमारे लिए। तो गाइस प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और पसंद कीजिएगा। अगर कोई भी मिस्टेक आई हो, कोई भी गलती हुई हो,
तो सॉरी, बट मैंने कोशिश की है अच्छे से आपको रेसिपी शेयर कर सकूँ। उसके बाद ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा धनिया और पुदीना। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें आ गया है बॉईल। अब थोड़ी देर के बाद हम इसमें लगा देंगे कुकर का ढक्कन। अब कुछ नहीं करना है गाइस, बस इसको एक सीटी से, अपन राइस बनाते हैं ना इसी तरह से, राइस की तरह से इसको एक सीटी मारनी है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, ये हमारा एक सीटी के बाद हमारी तहारी रेडी हो गई है। अब हम जाते हैं खाने। ठीक है गाइस, चलिए आइए खाना खाने के लिए। बहुत टेस्टी बनी थी, मुझे तो अच्छी लगी। मैंने इनसे भी रिव्यू जानने की कोशिश की, पर इन्होंने थोड़ा सा रिव्यू दिया, बट ठीक है। पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तहारी तो अच्छी बनी थी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों की ये रेसिपी ट्राई करोगे तो आप लोगों के लिए, आप लोगों के भी बहुत अच्छी सी बनेगी। प्लीज़ ट्राई कीजिए और मेरे से जो भी गलती हुई है उसे माफ़ कर दीजिए, बात करने में, रेसिपी में, वीडियो में, क्योंकि फर्स्ट वीडियो है मेरा। ये देखिए, ये बात डिस्टर्ब नहीं होना चाहते थे तहारी से। ज़्यादा पूछो तो गुस्सा आ रहा था उनको। ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई हो।